हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? तो आज हम अपने चैनल पे कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एरिस्टोक्रेट की ट्रॉली का रिव्यू। इसे अभी मैंने फ्लिपकार्ट की जो सेल हुई थी उसमें ऑर्डर किया था। तो चलिए, 55 सेंटीमीटर की है ट्रॉली और अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी, देखते हैं अंदर से किस टाइप की दिखती है और कितनी बड़ी इसकी साइज है। तो दोस्तों, इस टाइप से ट्रॉली आई है, देख सकते हैं। तो देखिए इसका यहाँ पे लोगो एरिस्टोक्रेट का, और कलर भी काफी अच्छा लग रहा है। देखिए अमेजिंग कलर इसका, डिजाइन प्रिंट, और यहाँ पे 360 डिग्री जो रोटेट होने वाले व्हील दे रखे हैं, चारों चारों ही कुछ इस तरह से रोटेट होते हैं। और चलिए अब इसको ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पे लॉक भी दे रखा है, आप ये देख पा रहे होंगे। अभी इस तरह से इसे लॉक ओपन कर सकते हैं, इसमें हम अपना कुछ भी पासवर्ड डाल सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से है, ये इतनी बड़ी साइज है, अच्छी साइज है ये। मेरे हिसाब से 1 या 2 पर्सन के लिए सफिशियंट है। अगर इससे बड़ी आपकी कोई फैमिली है या फिर आपको कुछ ज़्यादा सामान रखना है तो आपको इससे बड़ी मंगानी होगी। तो देखिए यहाँ पर भी एक और दे दिया है, एक पोर्शन ये, एक ही यहाँ आप रख सकते हैं। और इस तरह से ये लॉक लगाने का है ताकि आपका कोई सामान बिगड़ेगा नहीं। और क्वालिटी की बात करें तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है। और इसमें पीछे की साइड आप देख पा रहे होंगे, ये इसका हैंडल दिया हुआ है। तो ये इतनी लंबी लेंथ है इसकी कि मेरे हिसाब से ये इनफ है। इसका हैंडल भी कोई ज़्यादा छोटा नहीं है, मैंने देखा है, देख सकते हैं आप इतना बड़ा इसका हैंडल है। और मेरे हिसाब से तो अच्छी साइज है, एक स्मॉल साइज में आपका ज़्यादा से ज़्यादा सामान आ सकता है। इस साइज में काफ़ी कॉम्पैक्ट है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, देख सकते हैं। 5 ईयर वारंटी है, तो ये वारंटी जो आती है इंटरनेशनल, अगर आप इंडिया से बाहर भी हैं तो इस वारंटी का आप यूज़ कर सकते हैं इस सर्विस का। और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, जो आप ये बॉडी देख रहे हैं ये भी काफ़ी अच्छे फाइबर से बनी हुई है। वो चेन की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी है, इसमें 360 डिग्री रोटेटिंग व्हील भी है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।